मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह मरकाम, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने हांगकांग के सफ़र के बारे में बताएंगे कि हमें हांगकांग सिटी चाइना कैसा लगा। तो दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आप जानते ही होंगे कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं तो पासपोर्ट और उस कंट्री का वीज़ा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप यात्रा कर सकते हैं। हम हांगकांग इंडियन टीम के साथ एशियन चैम्पियनशिप के लिए गए थे दोस्तों। तो आपको पता ही होगा कि जब भी आपको बाहर जाना होता है तो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ 3-4 घंटा पहले ही आना होता है। तो दोस्तों, हम भी पहले आकर के इंडियन टीम के साथ फ्लाइट का वेट कर रहे हैं और म्यूजिक सुन रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये मेरा हांगकांग का पहला सफ़र था दोस्तों, तो मुझे कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट भी था कि कैसा लगेगा। ये थोड़ी ही देर में हमारी फ़्लाइट आ जाती है दोस्तों। हम बहुत ही एक्साइट थे कि प्लेन में फर्स्ट टाइम बैठने पे कैसा लगता है। तो इसके बाद चेक हो करके थोड़ी ही देर में हम सभी फ़्लाइट में बैठ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो भी लगेज होता है दोस्तों, वो पहले ही जा चुका होता है। तो हम सभी जो भी बैग होता है, एक बैग आप अपने साथ ले जा सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, ये एयर होस्टेस हैं और हमारे साथ जो भी इंडियन टीम में थे वो प्लेयर्स मेरे साथ हैं कुछ। और अभी आप आगे देख रहे हैं, ये प्लेन के अंदर का सीन है। जो भी गाइडलाइंस है वो हमें दिया जाता है कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप अभी सामने देखेंगे। ये हमें गाइडलाइन दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें दोस्तों। अगर आपको कुछ भी खाने पीने के लिए चाहिए तो वो सब आपको प्लेन में मिल सकता है, मिल जाएगा। और दोस्तों, हम लोगों की फ़्लाइट रात को 11 बजे थी और सुबह हम लोग 4 बजे पहुंचे थे। तो फ्लाइट का टाइम 4 घंटे का था, लेकिन हम लोग 5 घंटे में पहुंचे थे दोस्तों। रात को हम प्लेन में ही सोए थे। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे हम हवा में, आसमान में सोए हों। बहुत ही आनंद आया दोस्तों। और रात भर सफ़र करके सुबह हम लोग हांगकांग सिटी पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पर। फिर वहां से लगेज एक गाड़ी के द्वारा जो स्टेशन होता है लगेज का, वहां पे मिलता है। वहां पहुंचने के बाद हमें तो ऐसा लग रहा था जैसे हम अलग ही दुनिया में आ गए हैं। वहाँ उतरने के बाद वीज़ा चेक हुआ और एक बहुत ही सुंदर बस हम सबको लेने आया। अब बस से सफ़र करते हुए रास्ते में जो जो चीज़ हुआ वो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। जैसा कि आगे आप देख रहे हैं, ये ब्रिज है, कितना सुंदर ब्रिज है। जो सैन फ्रांसिस्को में एक ब्रिज है उस टाइप से देखने को यहाँ हमें मिलता है। और रास्ते में ये जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, हांगकांग पूरी तरह से एकदम समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से जो भी समुद्र के रास्ते इंपोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार होता है वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ से समुद्र के रास्ते जो भी व्यापार का सामान है वो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और आगे आप देखेंगे कि ये जो आप जो रोड देख रहे हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो बना हुआ है, हमेशा फिल्मों में या फोटो में देखने को मिलता था, वो हमें रियल में भी यहाँ देखने को मिला, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हांगकांग का ही फोटो था पीछे जो दिखाया आपको, और उसी रोड से हम बस के द्वारा आगे गए। ये समुद्र के किनारे बसा हुआ ये सब शहर है दोस्तों।
हांगकांग का पूरा ही वातावरण बहुत ही सुंदर, साफ, स्वच्छ है, थोड़ा भी पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे, कहीं भी आपको गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, पूरा ही नीट एंड क्लीन। और हमेशा भी वहाँ पे बीच बीच में बारिश भी होता रहता है। ये वहाँ के बिल्डिंग्स जैसा कि आप देख रहे हैं, बस से जा रहे तो रास्ते में हमें देखने को मिला, और थोड़ी ही देर में हम लोगों को जहाँ जाना था वांचाई में, हांगकांग में, वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। और ये दोस्तों डोरसेट होटल है वांचाई हांगकांग का। हम लोगों को इसी डोरसेट होटल में वांचाई में रुकना था दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर होटल है डोरसेट। होटल्स के जो भी रूल्स है दोस्तों, वो सब अपना आईडी पासपोर्ट चेक करवाने के बाद फिर हम लोग अपने रूम में जाते हैं। ये दोस्तों अपना रूम है, जैसा कि आप देख रहे हैं रूम से बाहर का सीन कितना अच्छा दिखता था। और ये हमारे पहले दिन का सफ़र था, और दोस्तों अगले दिन तैयार होकर जिस हाल में कंपटीशन होना था वहाँ गए। दोस्तों ये क्वीन एलिजाबेथ स्टेडियम है, ये वही स्टेडियम है जब 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ था तो बहुत सारे इंडोर गेम्स यहाँ पर हुए थे। दोस्तों यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, 10 से 15 फ्लोर का ये स्टेडियम, ऐसा स्टेडियम दोस्तों मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखा, तो यहाँ ऐसा स्टेडियम देख के बहुत ही अच्छा लगा। यहीं हमारा कंपटीशन होना था। और आगे दोस्तों हम कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ घूमे, किससे किससे मिले, उसके लिए आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।